तो देख सकते हैं ये है प्रेस्टीज ब्रांड का चॉपर एंड इसका जो है धागा टूट गया है, तो इसको कैसे जोड़ते हैं या फिर आप धागा इसको कहाँ से खरीद सकते हैं तो ये भी पूरा वीडियो में बताऊंगा। एंड वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है ताकि आपको पूरा तरीके से समझ आए एंड आप इस तरह के जो है चॉपर जो है ठीक कर सकते हैं। एंड अगर आपका अदर ब्रांड का है तो उसका भी जो है मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि पिजन ब्रांड का हो गया, तो उसका सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप पूरा फिर उसका भी वीडियो देख के ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले खोलते हैं। तो किसी में यहाँ पे स्क्रू रहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रू वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली साइड में देख सकते हैं इस तरह का जो गैप है इससे हम खोलेंगे। तो हमारे को ज़रूरत पड़ेगी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की, तो या फिर अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो कोई चाकू की मदद से आप इस साइड में देख सकते हैं इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके इस तरह से कर लीजिएगा तो ये धीरे धीरे जो है खुल जाएगा। उसके बाद में इस तरह से देख सकते हैं, तो देख सकते हैं इस तरह से ये बड़े आराम से जो है खुल जाता है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी लेकिन देख सकते हैं अंदर कुछ नहीं, ये पूरा खाली सा खाली है एंड जो धागा है वो कट के जो है साइड में फंस गया है। तो अभी धागे को सबसे पहले निकालते हैं बाहर। धागा एकदम पूरी तरह से जो है फंस चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये तो यहाँ ऐसे तो निकलने से रहा, तो इसको पूरा खोलते हैं, स्प्रिंग भी साथ में खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं ये इस तरह से जो है फंस चुका है। इतना फंस गया है कि निकल का नाम ही नहीं ले रहा निकलने का। तो गाइस देख सकते हैं ये इस तरह से जो है निकल गया, ऑलमोस्ट थोड़ी मुश्किल हुई बट निकल गया, जो कि कुछ इस तरह का धागा ये। एंड ये जो धागा है आप कोई भी फैंसी स्टोर से नाइलॉन का धागा बोलते हैं इसको, ये आप ख़रीद सकते हैं कुछ 5 रुपीज़ में कॉस्ट में मिलता है, 5 to 10 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो आप 1 मीटर का आप आधा भाग करके जो है इसमें डाल सकते हैं। मैं मेजरमेंट करूँगा इसके धागे की, तो देख सकते हैं ये कुछ इतना हो गया एंड बाकी का यहाँ पे देख सकते हैं इतना सा। इसको धागे को ज़रूरत है बट इतनी सी, बट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ तक कट कर देंगे, कट करने के बाद बाकी का साइड में रख देंगे एंड इसको मैच बॉक्स से जला के जो है कॉर्नर थोड़ा सही कर देंगे, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हमने जो है जला के जो है एकदम सही कर दिया। तो चलिए अब करते हैं इसको इधर से डालते हैं, इधर से निकालते हैं एंड यहाँ पे बांट देते हैं गांठ। तो देख सकते हैं ये बंद गई इसमें गांठ। गांठ बनने के बाद हमको क्या करेंगे, इसको जो है धागे को यहाँ से बाहर की ओर डाल देंगे। बाहर की ओर डालने के बाद सबसे पहले हम काम करेंगे इसको सही करना।
तो इसको भी खोलने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ग्रू दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देख सकते हैं साइड से यहाँ से ये खुलता है। अब इसको साकुचे खोलेंगे, देख सकते हैं इसको हम साकू की मदद से खोलेंगे। तो इस तरह से ये अंदर चला जाता है। इसके बाद देन ये सभी जगह पे थोड़ा टाइट है, बट आप खोल सकते हैं। अदरवाइज ये तोड़ के खोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ लिड है एंड मेन रहने वाला ये पीस है, तो इसको मेन संभाल कर रखना बस। तो इसमें देख सकते हैं ये जो धागा है वो इधर से बाहर आ जाएगा, एंड अभी जो है हम ये धागा जो है यहाँ से अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद यहाँ से गांठ देंगे। गांठ देने के बाद इसको खींच लेंगे जोर से, तब ये परफेक्ट है। अब इसको कर देंगे लॉक। तो हमने कर दिया लॉक, तो ताकि पता ही ना चला कि ये धागा चेंज किया है नहीं। अब जो है हम स्प्रिंग को जो है वापस डालेंगे। तो स्प्रिंग डालने का देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला ग्रू दिया है, आप देख सकते हैं ये वाला ग्रू दिया है जो ये वाला, इसको हम यहाँ पे जो ये बना है ओवल टाइप राउंड टाइप इसमें डालना है। तो हम देख सकते हैं इसको इस तरह से जो है अब इसको घुमाएंगे, यानी कि टाइट करना है। तो इस तरह से टाइट करते हुए घुमाएंगे। उससे पहले आपको जो है ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर एंड ऊपर दे देना है लॉक, ताकि यह बाहर ना आए। तो चलिए अब करते हैं इसको टाइट। तो गाइस देख सकते हैं जो ये शॉपर है प्रॉपर तरीके से जो है ठीक हो चुका है। इसको बड़े आराम से जो है काम कर रहा है, देख सकते हैं इस तरह से ये। तो इस तरह से आप जो है अपने चॉपर को जो है बड़े आराम से घर पे भी ठीक कर सकते हैं, काफ़ी इसी ईजी और ठीक करना। एंड इसका जो धागा मैंने बनाया किसी भी फैंसी स्टोर जो बैंगल शॉप होते हैं वहाँ पे आप ले सकते हैं। एंड वापस आपको सिर्फ टाइट करना है, जैसे कि ये वाला इसको लॉक करना है। तो अभी इसको लॉक करेंगे। तो इस तरह से ये इसको लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से जो है काम कर रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा वीडियो लाइक एंड को सब्सक्राइब। मिलते हैं सांदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।